आज जो हमारे साथ में गेस्ट हैं वो एक स्टार्टअप फाउंडर है जिनकी कंपनी का नाम है क्रिएटिव ग्रिटी प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वॉम वेलकम टू द वन एंड ओनली प्रमोद राज शुक्ला प्लीज कहिए आपसे तो मैं पहले भी मिला हूँ यस yes, आप पहले मिले हैं और मैं इसी ऑडियंस में बैठा था उस पे बैठा था और आपको वहां से देख रहा था अच्छा मरेश के साथ में आया था

वो स्ट्रगल कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स उनके पास काफ़ी अच्छी है लेकिन उनके पास जॉब नहीं है तो मैं सोचा कि एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करनी है मुझे जो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके वो मेरा ऑब्जेक्टिव था उससे पहले आप क्या कर रहे थे कहीं पे जॉब कर रहे थे हाँ, उससे पहले मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था एक यूएस बेस्ड कंपनी में जहाँ पे मैं 40 मिलियन डॉलर्स का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा था

फिर आपने उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था आप इंडिया वापस आ गए इंडिया वापस आ गया और छः महीने मैं बिल्कुल खाली बैठा क्योंकि मेरी जॉब छोड़ दी थी वहां पे और अचानक से मेरे यूएस में एक इंसिडेंट हुआ था मैं एक क्लब में बैठा हुआ था तो मैं वहाँ पे डांस वंस कर रहा था तो वहाँ पे एक हमारे जो पार्टनर हैं अभी एक यूएस एस में उन्होंने मुझे देखा उनको मैं डांस बहुत पसंद आया तो उन्होंने अपना कार्ड एक्सचेंज किया था कि अभी काम करेंगे साथ में तो मैंने उनको रैंडमली कॉल किया कि ऐसी सी बात है और मैं अपना काम स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उन्होंने उन्हें जस्ट डू इट और उन्होंने वो मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि अपना एक कंपनी स्टार्ट करो तो वो थ्री पॉइंट सोलूशन यूएस में बेस्ड है और क्रिएटिटी टेक्नोलॉजीज इंडिया बेस्ड है हमारी तो कोलाबोरेन ऐसे हमारा स्टार्ट हुआ और आज पांच साल हो गए और पांच साल में हमने बहुत अच्छा किया अभी तक हमने साढ़े तीन सौ बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया है मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे कि एग्जैक्टली आप करते क्या है कि जैसे कोई बच्चा है जो फ्रेशर है राइट

वी यूजली डोंट आस्क एंड अज्यूम कि ऐसे तो कि ही किसी के साथ में क्लब में मिले और उससे पूछा कि क्या कुछ किया जा सकता है टेन परसेंट पॉसिबिलिटी थी कि शायद आगे से सामने वाला इंसान बोलता कि हाँ कुछ किया जा सकता है और वही हुआ इनके केस में क्यों हुआ क्योंकि इन्होंने पूछा अगर पूछते नहीं तो ऐसा होता भी नहीं तो बहुत बार हम लोग एक्सक्यूज तो देते हैं बिजनेस करते वक्त कि मेरे पास में ये नहीं है मेरे पास में वो नहीं आपने पूछा किसी से जब पूछोगे तो कोई मना क्यों करेगा और मना कर भी देगा तो एक करेगा दो करेगा बाकी कोई ना कोई तो हाँ करेगा पूछो तो सही तो ये एक यहां पे लेसन है बहुत बड़ा सीखने वाला तो अब यहां पे आपका और उनका टाइप तो हो गया यानी कि उन्होंने कहा कि यूएस में मैं संभालूंगा यहां पे आप संभालो वो क्या कर रहे थे वो कंपनी बेचने वाले थे Hmm. Actually he एक्चुअली सेवेंटी years old. गए so, okay. और उनको अपनी करनी थी मैंने कहा कि आप कंपनी बेचो मत ठीक है हम लोग साथ में करते पूरा का पूरा आउटसोर्स कर दो चीज की थी हम लोग वर्क फोर्स प्रोवाइड करते हैं फार्मास्यूटिकल मेडिकल डिवाइस कंपनीज को लेकिन एग्जाम्पल हमारे जैसे अभी कोविड आया है तो कोविड में ड्रग डिस्कवरी हो रही है तो उनको वॉलंटियर्स चाहिए क्लिनिकल ट्रायल्स वाले बंदे चाहिए ड्रग सेफ्टी वाले बंदे चाहिए तो सारा का सारा वर्कफोर्स हम प्रोवाइड करते हैं जैसे जॉनसन जॉनसन है फाइजर है मेट्रॉनिक्स है ये सारी क्लाइंट्स हैं हमारे उनको हम लोग वर्क प्रोवाइड करते हैं और आज हम लोग जो पाँच साल में वर्थ है हम लोग का फोर्टीन मिलियन डॉलर्स की कंपनी हो गई है जो भी आ, ये कंपनीज है फार्मा कंपनीज हैं या ये सब जो कंपनीज हैं इनके जो भी नए फार्मूलाज आते हैं प्रोडक्ट्स आते हैं ड्रग्स आती है उसकी टेस्टिंग के लिए उनको लोग चाहिए मैनुफैक्चरिंग हाँ, uh, के लिए बंदे चाहिए, uh, चाहिए, hmm. you know, hmm. right. तो चाहिए होते हैं जो चाहिए होते हैं उनको जो कैंडिडेट चाहिए जो वॉल्टियर चाहिए पूरा का पूरा हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो तो आप लोग उनको अभी फिलहाल इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं राइट right? नहीं मैं इंडिया से यूएस में प्रोवाइड कर रहा हूँ मतलब हमारी टीम बैठती है इंडिया में हमारे पास ऑलमोस्ट फाइव लोगों का डेटा है वहाँ पे जहां पे डॉक्टर्स भी हैं, केमिस्ट भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स भी हैं हाँ। तो यहाँ से टीम उनसे कॉर्डिनेट करती है कि कुछ प्रोजेक्ट में उनको प्लेस करना है सपोज़ हमारे फाइव प्रोजेक्ट्स आ गए रहे right. और हमारे पास पांच बंदे हैं तो उनसे हाँ. बात करना उनको समझाना कि ये प्रोजेक्ट्स में ये हमारा ड्रग डिस्कवरी चल रही है आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो यहाँ पे जाने के लिए तो वहाँ पर उनको प्लेस करते हैं जाते हैं उनका इंटरव्यू होता है फिर दे स्टार्ट द प्रोसेस सेम जो आप बिजनेस मॉडल बता रहे हैं mm -hmm. उसको क्या कोई भी आसानी से रेप्लीकेट कर सकता है या फिर उसमें कहीं पे कुछ मुश्किल आने वाली थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ सकती है उनको यूएस एफ गाइडलाइन का जो प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज वन यू टॉक टू एनी कैंडिडेट्स इन यू एस यू नो बिजनेस लैंग्वेज कि किस बिजनेस में बात करनी है उनसे क्योंकि आप सिंपली उनसे नहीं बात कर पाओगे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है अगर आपके पास फार्मा का बैकग्राउंड है तो आप, आपको यू कैन इजिली मिल रहा रेवेन्यू वाइज आपकी रेवेन्यू क्या रही पहले साल में कितनी रही दूसरे में तीसरे में छह महीने तो मैंने कुछ भी नहीं कमाया था छह महीने तक कुछ नहीं या अब, अब मुझे याद है कि मैंने पहला जो अर्निंग की थी वो एट हंड्रेड डॉलर समथिंग था वो फिर दूसरे में ट्वेंटी के तक गया फिर अभी हम लोग का जो गया है वन सी के पास हम लोग टच करते पर मंथ पर मंथ और पर ईयर पर मंथ पर मंथ सीआर का आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं इसमें से एक्सपेंसिस भी होते होंगे जो, yeah. जो, अच्छा, जो आप सैलरीज देते होंगे हाँ, या आप... हाँ. जो भी कहा वहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि हम लोग क्या गलती करते हैं जब भी बिजनेस के बारे में सोचते हैं हम आइडियाज ढूंढने लग जाते हैं लोगों से बोलते हैं भाई कोई अच्छा आइडिया बताओ बेवकूफों वाली अप्रोच है, एक काम करने की। से क्या है वो एक करोड़ रुपए के आसपास मेंसेंट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो तीन चार करोड़ रुपए का प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो राइट खर्चे निकालने के बाद में साल का सो अब पॉइंट ये आता है कि आइडिया तो आपको मिल गया आइडिया क्या है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और यहां पर कॉस्ट ऑफ है वो कम है इंडिया के अंदर बाहर बहुत ज्यादा है तो क्या हो उन लोगों को कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड तो करोगे जाकर के आपको लगता है कि आप इतनी सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड कर पाओगे कितनों को लगता है कर पाएंगे तीन चार लोगों को लग रहा है कि वो कर पाएंगे ठीक है इसको आप कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो मेरे स्टैंडबर्ड से देखोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस है क्यों क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है काम हमेशा वो करना चाहिए जिस काम से रिलेटेड आपके पास में कुछ नॉलेज हो एक्सपीरियंस हो कोई स्किल हो ये जो सक्सेसफुल हो पाए इस इंडस्ट्री में वो इस वजह से हो पाए क्योंकि इनके पास में यूएस में ऐसी कंपनीज में काम करने का तीन चार साल का एक्सपीरियंस exactly. था तो इन्होंने अपनी लाइन से रिलेटेड काम किया ये नहीं कि कोई बिजनेस आइडिया सर्च किया इन्होंने मेरा जो बिजनेस है उसके कंपटीशन में एक वेबसाइट लॉन्च नहीं करी वो करते तो दर इज अस्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नाइन नाइन पॉइंट नाइन परसेंट के फेल हो जाते <laughs> क्योंकि और बहुतों ने किया और वो फेल हो गए क्योंकि एक बैकग्राउंड होता है जिस बैकग्राउंड से आप पहले चीजों को समझते हैं फिर काम करते हैं आइडिया की कोई वैल्यू नहीं है गाइस आइडिया की कोई वैल्यू नहीं एग्जीक्यूशन की बहुत वैल्यू है आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा कि जो कोई भी आइडिया आप रन कर रहे हो उसका इकोसिस्टम कैसे काम करता है आप कोई भी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो उसके जो कंप्लाइंस है आपको नहीं पता बॉडी जो है इन्वॉल्वमेंट है वो कितना है आप ये स्टार्ट करोगे, पता चला आप तीन चार दिन में आपके पास गवर्नमेंट आके खड़ी होगी फॉलो नहीं किया तो अगर ये समझना है ना कि मुझे क्या काम करना चाहिए तो अपने बैकग्राउंड को देखो अपनी पास लाइफ को देखो वहां से आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या है आपके पास में जो कि वैल्यूएबल हो सकता है किसी और के लिए

मतलब ये है कि सर किसी भी फील्ड में हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं तो उसके बाद डाउनफॉल ना आए उससे या तो या तो वहीं पर रहें या उसके आगे बढ़ें या मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि ना सक्सेस की जो डिफिनेशन होती है ना वो हर जगह अलग अलग है और उस पर एक ही मंत्र है जो मैंने फॉलो किया है कि अपने स्किल्स को आप अपग्रेड करते रहो अगर आपने एक स्किल्स में अपने आप को स्टक कर लिया तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा जैसे मैं आई की बात करूँ आई में रोज ए आई आ रहा है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग्स आ रहे हैं तो जो 400 में काम कर रहे हैं मेन फील्ड में काम कर रहे हैं उसी अगर स्किल्स में रह गए तो वो हमेशा अपने आप सक्सेस को नहीं वो वो फेस कर पाएंगे तो अपने आप को जो मुझे लगता है कि हर बार अपने आप को अपग्रेड करते रहो और आपको जो आपकी लर्निंग है उसको हमेशा लर्निंग कप्स को ओपन रखो अगर इफ यू नो वेलकम इट विद वे योर ओपन आर्म्स डेफिनेटली यू आर्म्सली

सक्सेस के लिए जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज स्टेट ऑफ माइंड आपके पास में सब कुछ है लेकिन आप परेशान हो उसको सक्सेस कहेंगे नहीं. नहीं कहेंगे ना तो ये परेशानी क्या है ये आती जाती रहती है है डाउनफॉल 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 दो तरीके का होता है. एक downfall, एक फाइनेंशियल फाइनेंशियल साइकोलॉजिकल को अवॉइड करने के लिए सक्सेसफुल होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा एक तो जो अभी इन्होंने कहा यानी कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा क्योंकि तो दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है आज की डेट में अगर आप नहीं बदले तो यू आर आउट ऑफ बिजनेस और आउट ऑफ वर्क वर्क यू आर डूइंग आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा कि दुनिया किस डायरेक्शन में भाग रही है यह नहीं जो पास में हुआ बल्कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके हिसाब से अपने आप को करना पड़ेगा उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा तभी आप सर्वाइव कर पाओगे नहीं तो आप बाहर हो और एक बार फाइनेंशियली आप अनस्टेबल हो गए तो उसको सक्सेस कहेंगे तो फाइनेंशियल जो डाउनफॉल होता है उसके पीछे जो रीजंस होते हैं

ये आपकी लाइन से रिलेटेड नहीं है तो आपको हमेशा रिवॉर्ड और रिस्क को कैलकुलेट करके चलना है प्लस अपने रिसोर्सिस को देखना है अरे भाई जितना पैसा है उतना ही लगाओ ना ले भी रहे हो बैंक से तो इतना लो जितना कि आप आराम से दे सको इतना क्यों ले रहे हो कि जो जो आपकी सारी कंपनियां बिक जाएंगी फिर भी आपके पास में नहीं है पैसा देने के लिए तो दैट इज वन दूसरा हो जाता है साइकोलॉजिकली साइकोलॉजिकली ऐसा कैसे हो कि हमारी जो सक्सेस है वो मेंटेन हो पाए ऐसा कभी नहीं होगा साइकोलॉजिकली

जो डाउनफॉल है जिसको फेलियर भी आप बोल सकते हो चाहो तो बट साइकोलॉजिकली अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं सब कुछ होता है आपके पास में फिर भी मूड खराब होता है कई बार कुछ भी नहीं होता है फिर भी मूड अच्छा होता है कई बार बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो तब भी लगता है कि ये क्या हो गया ये तो मैं फंस गया मतलब लड़की ने हा बोल दिया फिर भी लग रहा है कि ये क्या हो गया और कई बार किसी ने ना बोल दिया तब भी अच्छा लग रहा है अंदर से चलो बच गया okay. तो सक्सेस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड एज फार एज साइकोलॉजिकल सक्सेस इज कंसर्न जस्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ यूर लुकिंग एट लाइफ तो साइकोलॉजिकली डाउनफॉल आना ही आना है इस गलत टाइम में मत रहना कि कभी डाउनफॉल नहीं आएगा सबकी लाइफ में अप्स एंड आते हैं बाहर क्या चल रहा है उससे मैटर नहीं करता है अंदर क्या चल रहा है वो बिल्कुल अलग होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस उससे जो बाहर चल रहा होता है बाहर सब कुछ सही होता है लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से लाइफ की धज्जिया उड़ी होती है तो साइकोलॉजिकली सक्सेस का मतलब क्या है कि डाउनफॉल्स आएंगे ये नहीं है कि डाउनफॉल्स नहीं आएंगे बार बार आएंगे एक बार नहीं आएंगे हजार बार आएंगे, लेकिन हर बार आप आपको मेरा क्वेश्चन ये बिजनेस या कुछ करना चाह रही हूँ माइंड हमेशा से कुछ अलग करना है और वही बेसिकली साइकोलॉजिकली मुझे अचीवमेंट या ग्रोथ को जानना है मतलब आज यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी को फील करना था तो मेरे माइंड में आपके क्या इसके बारे में <laughs> बिल्कुल किया जा सकता है और काफी लोग कर रहे हैं अगर आप बैंगलोर में देखें मैंने पॉडकास्ट मैं भी करता हूँ और मैं पॉडकास्ट में दो तीन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है वो एप्स रन कर रहे हैं जहाँ पे वो साउंड कर रहे हैं म्यूजिक राइट वो ऐप अवेलेबल है डाउनलोड करके <laughs> लोग उसको यूज़ कर रहे हैं तो आप बिजनेस कर सकते हो लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि वो आइडिया कितना आगे चलेगा क्योंकि मेंटल हेल्थ में जब मम्मी बात करते हैं मेंटल हेल्थ में कोई बिजनेस करने का लोग थोड़ा हेजिटेंट हो जाते हैं यार ये मेंटल हेल्थ में पैसे क्यों लगाना है लेकिन जैसे तो संदीप महेश्वरी राइट हाँ 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 तो अगर आप ऐसा कोई बिजनेस करोगे तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तो मैं ही हूँ और मैं जो अपनी सर्विस दे रहा हूँ वो उस कॉस्ट पर दे रहा हूँ कि और कोई नहीं दे सकता है हाँ ठीक है सवाल उठता है कि क्या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बिजनेस किया जा सकता है डेफिनेटली किया जा सकता है इनफैक्ट मेंटल हेल्थ ही क्यों किसी भी काम से रिलेटेड एनी वर्क फॉर दैट मैटर उससे रिलेटेड बिजनेस किया जा सकता है बट वॉट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ इज नॉट मी नॉट हिम वॉट यू नीड टू आस्क योर सेल्फ इज हाउ पैशनेट यू आर फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ इज अग प्रॉब्लम इंडिया में अभी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बट फ्यूचर में जैसे जैसे ये प्रॉब्लम बढ़ेगी जो बढ़नी ही है टाइम के साथ साथ जैसे जैसे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो रहा है जैसे जैसे हमारी ईटिंग हैबिट चेंज हो रही है जैसे जैसे जो एनवायरमेंट है वो और पॉल्यूटेड होता चला जा रहा है जैसे जैसे हमारी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है एंजाइटी बढ़ रही है तो मेंटल हेल्थ इशूज बहुत बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में तो अगर उससे रिलेटेड आप कोई काम करते हो दैट इज द फ्यूचर तो ये काम ऐसा है जो हमेशा रेलिवेंट रहेगा इससे रिलेटेड क्या क्या बिजनेस हो सकते हैं आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क बिकॉज मैंने इससे रिलेटेड कभी कोई बिजनेस नहीं किया है तो आपको क्या करना होगा ग्लोबली देखना होगा लोग इससे रिलेटेड क्या क्या बिजनेस आप देख सकते हो क्या क्या गैप्स अवेलेबल है क्या क्या प्रॉब्लम है किस किस तरह की है फिर उससे रिलेटेड आप सोच सकते हो कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मैं कितनी पैशनेट हूं मैं कितना पैशनेट हूं अगर आप हो तो डेफिनेटली देर इज अग अपॉर्चुनिटी अगर आपका बैकग्राउंड है मान लो

मुझे स्टार्टअप करना है और मैं बहुत लोगों से जब बात भी करता हूँ तो लोग कहते हैं कि यार क्यों करना है स्टार्टअप क्या रीज़न है अरे यार मुझे अपना बॉस खुद बनना है अरे मुझे यार वो नाइन टू सिक्स वाली जॉब नहीं करनी है अरे यार कल मेरे बॉस में से चला रहा था ये जो कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्युटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है इस पर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि अंदर से फील नहीं और आप चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हो एक्जैक्टली राइट और वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्योंकि आपको बताओ जब अपना स्टार्टअप स्टार्ट करोगे आप आपकी कोई टाइम नहीं है आप कितने घंटे काम करोगे अट्ठारह उन्नीस बीस घंटे काम करोगे मैं कभी सोचता हूँ यार मैं जॉब में था जब मैं ज्यादा खुश था आज लोगों के दोस्तों की सैलरी पे करनी है फैमिली मेरी इतनी बड़ी है उनकी सैलरी जानी है टाइम पे उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आइडिया कुछ नया करते हैं करो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास आइडियाज आ रहे हैं लेकिन वो फील होना चाहिए अंदर से वाकई मुझे करना है शॉर्ट एनालिसिस हमने सुना है एस डब्ल्यू ओ टी एनालिसिस स्ट्रेंथ वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेड कोई भी फील्ड में आप कुछ भी काम करो शॉट एनालिसिस जरूर करो उसको पॉइंट्स लिखो कि आपकी क्या है स्ट्रेंथ है तो आपको पता चलेगा क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी आपकी वीकनेसेस क्या है आपको थ्रेड्स पता चलेंगे अच्छा ये मुझे नहीं करना चाहिए आप करके देखो आप सक्सेसफुल हो गई हो गए हो ये ये बहुत ही मतलब कॉमन चीज है जो कि सबको करना चाहिए सर जो आप हमेशा बोलते हैं कि लिखो सोचो समझो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया आया मेरे माइंड में कि अगर मैं आपकी जगह आऊंगा तो क्या आज के डेट में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है फेसबुक पे ग्रुप बनाना क्या उसके पैसे लगते हैं नहीं लगते है। कोई भी बना सकता है तो क्या हो अगर आप एक ऐसा ग्रुप बनाओ जहां पे धीरे धीरे मैनुअली आप लोगों को इन्विटेशन भेजो धीरे धीरे लोग ऐड हो धीरे धीरे कॉन्वर्सेशन शुरू हो धीरे धीरे लोग वहां पर पोस्ट करना शुरू करें वो ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता चला जाए विद टाइम एकदम से नहीं होगा एक दो दिन में नहीं होगा कुछ महीने लगेंगे हो सकता है एक दो साल भी लग जाए पर जब वो ग्रुप बड़ा हो जाता है फिर आप उनको बोलो कि हम ऑफलाइन मिलेंगे तो उसके लिए एक जगह हायर करनी पड़ेगी जहां पर सब लोग बैठेंगे और बैठ करके अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे एक दूसरे से ये ग्रुप्स उनके भी हो सकते हैं जो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं उनके भी हो सकते हैं जो कोई पर्टिकुलर बीमारी की वजह से प्रॉब्लम में है फॉर एग्जाम्पल कैंसर पेशेंट्स है उनका भी ग्रुप बन सकता है तो क्या हो अगर उस ग्रुप के आप एडमिन हो और अब आप कहते हो उनको सबको कि हम इस दिन यहां पर इस सिटी में मिलेंगे इस वेन्यू पर उस वेन्यू के जो हायरिंग चार्जेस है वो नॉमिनल इतने हैं बस पांच सौ रुपए देना है एक इंसान को उस ग्रुप में मान लो हजार लोग हैं और दस लोग भी आते हैं और वो पांच सौ पांच सौ रुपए भी देते हैं तो पांच हजार रुपए आपके पास में मान लो जिस जगह पे आपने वो किया वहां पे आपने दो हजार रुपए दिया ढाई हजार रुपए दिया तो ढाई हजार रुपए की आपकी कमाई नहीं हो गई क्या यह किया जा सकता है या बहुत मुश्किल लग रहा है करने में yes, yes. क्या इसमें बहुत इन्वेस्टमेंट है no, तो हम करते क्यों नहीं ऐसा कुछ क्योंकि ऐसा कभी सोचते ही नहीं है सोचते क्यों नहीं है क्योंकि तो ऐसा सोचना कभी सीखा ही नहीं है सीखा क्यों नहीं है क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं है यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कि क्या किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है और ये जो मैं बोल रहा हूं ये कोई थेटिकल बात नहीं है ऐसे हजारों लाखों ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए होंगे जिसमें से बहुत सारे ग्रुप्स बहुत सक्सेसफुल होंगे और बहुत सारे लोग इस तरीके से काम कर रहे होंगे और सिर्फ इतना ही नहीं इन ग्रुप्स में जो लोग होते हैं उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती है कुछ प्रोडक्ट्स की कुछ सर्विसेज की उसके लिए आप उनको कनेक्ट भी कर सकते हैं ना वहां पे एफिलिएट मार्केटिंग बीच में आ जाती है वो पता है क्या होती है कि अगर आप उनको लिंक देते हैं कि ये एक प्रोडक्ट है जो यहां पर अवेलेबल है इसको मैंने यूज किया अपनी इस प्रॉब्लम के लिए और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ और उसके बारे में अगर उस ग्रुप में बात होने लग जाए तो उस लिंक पर जब भी कोई क्लिक करके जाएगा और उस प्रोडक्ट को खरीदेगा तो उसमें एक एक्स अमाउंट आपको मिलेगा इसको एफिलियट मार्केटिंग बोलते हैं वो खरीदेगा उस वेबसाइट से यानी मान लो अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी पैसा आपको भी मिलेगा ये ये एक और और रेवेन्यू मॉडल आ गया यू गेटिंग आई एम कमिंग फ्रॉम सब कुछ आप जॉब के और पढ़ाई के साथ साथ भी कर सकते हो यानी कि वहां से उतना पैसा आने लग गया जितना कि आप अभी अपनी जॉब से कमा रहे हो उससे ज्यादा आने लग गया मानो महीने का बीस तीस हजार पचास हजार वट तो आपने जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम यही कर लिया विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच जी यहाँ पर आने के लिए